कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कुंडली में इस तरह के कौन से योग हैं जिसके कारण जातक बिना किसी मेहनत के धन लाभ कमाता है, उसको धन का लाभ होता है। देखिए, आज मैं दो योगों की बात करूंगा जो बहुत ही सिंपल से योग हैं, बहुत ही साधारण से लगते हैं दिखने में, लेकिन उनका फल जातक को चमत्कारिक रूप से मिलता है। पहला योग है भाई कि अगर जातक की जन्म कुंडली में पहले घर में पहले भाव में यानी लगन में बृहस्पति महाराज आ जाएं, पहला घर जय है, पहले घर में बृहस्पति महाराज आ जाएं या गुरु आ जाएं, बृहस्पति और गुरु एक ही ग्रह होते हैं, तो जातक को बिना किसी मेहनत से अपने जीवन में एक बार प्रचुर मात्रा में धन लाभ होता है। और दूसरा कौन सा योग है? अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में अष्टम भाव में शुक्र आ जाए, आठवें घर में शुक्र आ जाए, तो जातक को अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में धन लाभ होता है, अचानक धन लाभ होता है, बिना मेहनत के धन लाभ होता है। यह योग हर लग्न की कुंडली में लागू होता है। अगर ग्रह नीच के आ जाए तो इन योग में थोड़ी न्यूनता आ जाती है, मगर फल मिलता है। देखिए, जिन जातक की कुंडली में बृहस्पति पहले भाव में आ जाए यानी लगन में आ जाए, तो बृहस्पति देव की तीन दृष्टि होती हैं, पांचवी, सातवीं और नौवीं। पांचवें भाव को देखेगा पूरी दृष्टि से, सातवें भाव को देखेगा और नवम भाव को देखेगा। इन तीनों भावों पर बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि पड़ जाएगी। बृहस्पति को की जो दृष्टि होती है वो अमृत के समान होती है और इन तीनों भावों पर पड़ जाएगी। ये तीनों ही घर, पांचवा घर, सातवा घर और नवा घर, अचानक धन लाभ के हैं, बिना मेहनत के धन लाभ के हैं, बिना कमाया हुआ धन जातक को देते हैं उसके जीवन में। और जिनकी कुंडली में बृहस्पति लगन में विराजमान हो जाएं, यानी पहले घर में बैठ जाएं, उनको पैतृक संपत्ति का या किसी रिश्तेदार के धन का अपार मात्रा में लाभ होता है। और अनुभव में, एक्सपीरियंस में यह आया है कि इस तरह के जातक अकेले ही पूरे के पूरे धन के वारिस होते हैं। या तो इनका कोई दूसरा भाई नहीं होता, कोई शरीक नहीं होता, या इस तरह के सरकमस्टांस, इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं कि अगर कोई दूसरा भाई हो भी तो वो धन और जायदाद लेने से इनकार कर देता है कि भाई तुम ही संभालो पूरे का पूरा, मुझे तो जरूरत नहीं है, या मैंने जायदाद का क्या करना है, मैं नहीं लूंगा जायदाद। ऐसी स्थितियां बन जाती है कि जातक अकेला ही पूरे के पूरे धन का, पूरी की पूरी जायदाद का, पूरी की पूरी संपत्ति का सुख भोगता है। ये तो होगी भाई पहले योग की बात कि जब बृहस्पति लगन में पड़ा हो। अब बात करते हैं दूसरे योग की, अगर शुक्र अष्टम भाव में पड़ा हो। देखिए, शुक्र अष्टम भाव में पड़ा हो तो कई तरीकों से व्यक्ति को बिना मेहनत के दान लाभ करवाता है। पहले तो बृहस्पति की सातवीं दृष्टि होती है, तो इसकी सातवीं दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, दूसरे भाव पर पड़ेगी सातवीं दृष्टि जो धन का होता है, धन भाव पर पड़ेगी। शुक्र जो एक भोग कर ग्रह है, और जब धन भाव पर इसकी दृष्टि पड़ती है तो जातक को प्रचुर मात्रा में धन का सुख देता है, जातक को धनी बनाता है। दूसरी स्थिति क्या होती है कि जो अष्टम भाव है वो सप्तम भाव से दूसरा है। ये सप्तम एक हो गया, अष्टम दूसरा। सप्तम भाव होता है
पति का या पत्नी का। पति की कुंडली में जय योग ज्यादा इफेक्टिव देखा गया है, पुरुष की कुंडली में जय योग ज्यादा इफेक्टिव देखा गया है। अगर किसी पुरुष की कुंडली में आठवें भाव में शुक्र विराजमान हो जाए तो उसको अपनी पत्नी की सहायता से या ससुराल से अपने जीवन में एक बार मोटा धन लाभ होता है, कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ा धन लाभ होता है। हाँ इतना जरूर है कि देर थोड़ी इधर उधर हो सकता है, देर सवेर हो सकता है, क्योंकि दशा अंतर दशा पर डिपेंड करता है ना। जब किसी अच्छे ग्रह की दशा अंतर दशा आ जाएगी जीवन में तो इसको अपने ससुराल से या अपनी पत्नी के द्वारा बहुत अच्छा धन लाभ होगा, बिना मेहनत के इसको धन मिलेगा। इसके अलावा जो आठवां घर है, आठवां भाव है, वो गुप्त धन का है, सीक्रेट मनी का है। इसलिए जातक को वसीयत से लाभ होता है। किसी नजदीकी रिश्तेदार की मौत के बाद उसको लाभ होता है। किसी नजदीकी रिश्तेदार की डेथ के बाद पता भी नहीं होता कि वो इसके नाम पर इतना कुछ कर गया, वसीयत में इतना कुछ लिख गया इसके नाम पर, और जातक को वहां से बहुत धन लाभ होता देखा गया है। इसके अलावा जातक को इंश्योरेंस से, बीमे से भी बहुत धन लाभ होता देखा गया है कि किसी की मौत के बाद जो नॉमिनी होता है इंश्योरेंस का वो जातक होता है, और उसकी मौत के बाद इसको इंश्योरेंस से धन लाभ होता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि जातक की कुंडली में ऐसे दो बहुत सिंपल योग बताए मैंने आपको, कौन से ऐसे योग होते हैं जिसकी वजह से जातक को बिना मेहनत से धन लाभ होता है अपने जीवन में। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, मैं आपका ऋणी रहूंगा, और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका ऋणी हूँ। थैंक्स अ लॉट।